एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़े ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना, आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मिट्टी का पात्र, और मिट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र, उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी वट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। शिव तत्व की प्राप्ति। अभी बैसाख का पावन महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जिन निसंतान दंपति को संतान की चाहत है यह उपाय करें, आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजेंगी। अगर आपको यह उपाय वाला वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।